Monica. You're next. दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरी चॉइसेस हैं और ये सोसाइटी में बातें हो रही हैं। कल स्कर्ट पहनकर कॉलेज गई थी, शायद इसलिए हो रही है, या फिर लेट नाइट पार्टी से लौट रही थी, इसलिए हो रही है। बातें मेरी बढ़ती एज की हो रही हैं, बातें मेरे गुस्से मेरी रेज की हो रही है, बातें मेरे दिखते क्लीवेज की हो रही है, बातें मेरे स्ट्रैप के कलर की हो रही हैं, बातें मेरे इम्परफेक्ट फिगर की हो रही हैं, बातें मेरे फेवरेट फ्लेवर की हो रही हैं। बातें तो हर बात पर हो रही हैं, जब बैग हैवी और मेकअप लाइट हो जाए तो बातें, जब बीच सड़क किसी छिछोरे से फाइट हो जाए तो बातें, जब टॉप लूज और जीन्स टाइट हो जाए तो बातें। आजकल बड़ी फेमस हो रही हूँ मैं, ये जमाना मेरा ही दीवाना हुए जा रहा है। बट जमाने वालों, इससे पहले कि तुम मुझे जज करो, मेरी एग्जिस्टेंस को थोड़ा तो एक्नॉलेज करो। इससे पहले कि तुम मुझे बिच, स्लट या होर बोलो, दो मिनट रुक कर मुझे जान तो लो। मैं ना ट्रैफिक में स्मूथली ड्राइव करती हूँ, स्पोर्ट्स में लड़कों के साथ वाइब करती हूँ, रात को अकेले सामान ले आती हूँ, दिन में पापा के ऑफिस जाकर टिफिन भी दे आती हूँ, स्ट्रेंजर से बिना हिचकिचाए बतियाती हूँ और बॉयफ्रेंड से चैटिंग में पूरी रात कर जाती हूँ। अब जाहिर है सवाल तो होगा ना आपका कि एक लड़की होकर आखिर ये सब मैं कैसे कर जाती हूँ। सच बताऊं तो मैं आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपके टुच्चे सवालों, घटिया कमेंट्स और वाहियात प्रेजम्पशंस ने मुझे हर वक्त हमेशा मोटिवेट किया है। राइट फ्रॉम द मोमेंट जब गली क्रिकेट में बल्ला उठाते ही सबकी हैरानी वाली नजरें मुझ पर गड़ जाती थी, बाय गॉड इतना अटेंशन मिलने पर एकदम कोहली वाली फीलिंग आती थी। ए लड़की, गाड़ी नहीं चला सकती तो कोशिश भी क्यों करती है, वाज ऑल दैट आई नीडेड जब मैं पहली बार सड़क पर निकली थी। सीखने के लिए वक्त नहीं जेंडर लगता है, यही तो मेरे फेमिनिस्ट ईगो को सुनने की जरूरत थी। मेरे टॉमबॉय वाले लुक की वजह से मुझे लड़कों वाली फीलिंग का प्रिविलेज देने के लिए थैंक यू, इंस्टाग्राम पर बड़ा परफेक्ट कमर वाला एंगेजमेंट देने के लिए थैंक यू, कमेंट्स में बिग फैन लिखकर डीएम में न्यूड्स मांगने के लिए फक यू, मेरी क्रॉस की भी हर लिमिट का इतना क्लोजली चेक रखने के लिए मुझे आइडिया भी नहीं है आपने कितना स्ट्रगल किया होगा। पर अगर थोड़ा और कर सकते हो ना तो बस इतना कर दो, मेरे माँ बाप की फिक्र को यूज कर मुझे कंट्रोल करना बंद कर दो। बिटिया चूल्हा चौका नहीं सीखेगी तो ससुराल में इज्जत नहीं मिलेगी उसे, रात को 10-11 बजे बाहर घूमेगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। अरे भाभी जी, फेमिनिज्म के नाम पर आजकल की लड़कियां हाथ से निकले जा रही हैं। अरे आंटी, इतना स्ट्रेस मत लो, आपकी भी उम्र निकले जा रही है। अरे सॉरी सॉरी, माफ कर दो, क्या करूं, थोड़ी झल्ली सी हूँ, अपनी खुशियों पे हाई हूँ, अपनी चॉइसेस पे टल्ली सी हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे बात करने से नहीं कतराती, मैं पेट्रियार्की के आगे झुक नहीं पाती, अक्सर हर वीकेंड पर एक बॉटल वाइन ऑर्डर कर देती हूँ, अगर बैक सीट खाली हो और बंदा सही हो तो लिफ्ट भी ऑफर कर देती हूँ, और जिस बॉडी प्रोसेस का डिस्क्लेमर मैं ओपनली देती हूँ उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांग लेती हूँ। After all, the entire process of periods is as secretive as breathing. और आप जैसे लोगों के सामने सांस कौन लेता है? I know I'm hurting your very important check boxes, but that is to make my own bucket list. अब इतनी extreme गलतियां सुनकर curiosity तो जाग गई होगी ना आपकी? इन guidelines वाली गलियों में मुझे चलना तो सीधा था, पर मैं क्यों बनारस की गलियों की तरह निकली टेढ़ी हूँ? क्योंकि अगर इन गाइडलाइंस की मानो तो सब कुछ नाप कर करना पड़ता है,
कम हो जाए तो जाने दो, लड़की है, ज्यादा हो जाए तो बेशर्मी की भी एक हद होती है। पर अब हदें तोड़ ज्यादा करने की आदत सी पड़ गई है मुझे। ज्यादा उड़ कर सोच के छोटे आसमान को बड़ा मैं कर देती हूँ। ज्यादा खुल कर मैं नेटवर्किंग अच्छी कर लेती हूँ। ज्यादा पढ़ने के बाद भी मम्मी के साथ रोटियां बेलती हूँ। ज्यादा इमोशनल हूँ तभी हर इंसान को समझती हूँ। ज्यादा फ्रीडम मिलने पर इस दुनिया को उसका असली आईना मैं दिखाती हूँ। पर कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। ये बीइंग द संस्कारी गर्ल वाली साइंस कुछ ज्यादा ही इंटेंस है। तरीकों पर तरीके हैं रहने के, कहने के, सहने के, चलने के, फिरने के, उठ कर गिरने के, संभलने के, समझने के, बूझने के, इज्जत से जीने के, न जाने कितने सलीके हैं लड़की होने के। शायद इसीलिए आज ये माइक तो ओपन है पर सुनने वालों के कान बंद हैं। कहीं डर से तो कहीं शर्म से आवाज उठाने वालों की जबान बंद है। हाय तौबा, यही सोच रहे हो ना कि ये कितना बोलती है। चिंता मत करो, मुझे इन रिटर्न आपकी वाह वाह या ताली नहीं चाहिए। बस अगर एक लड़की कुछ कहना चाहे ना तो उसके सामने वाली सीट्स खाली नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द बॉस लेडीज आउट देयर, जिन्हें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं अपने हक के लिए फाइट करना है। क्योंकि लाइफ वो तो एक ही है और ये हमारे चॉइसेस की है, किसी और की गाइडलाइंस की नहीं। एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो, कॉमेंट भी ड्रॉप इन कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून।